हेलो दोस्तों, प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी अपनी कई पोस्टों की घोषणा की है। इसके विस्तृत जानकारी हम आज चर्चा करेंगे और इसके एंड में जब हम आपको एक PDF भी देंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसका परीक्षा शुल्क दोस्तों, इसका परीक्षा शुल्क है 1000 रुपये सामान्य वर्ग के लिए। सामान्य वर्ग के लिए इसका 1000 रुपये शुल्क है। और अनुसूचित जाति, राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये का शुल्क लगेगा। दोस्तों ये देख रहे हैं रिक्तियों का विवरण देख रहे हैं। जैसे आप पदनाम सहायक प्रशिक्षण पदाधिकारी कुल पद 362, जिसमें अनारक्षित हैं 155, अनुसूचित जनजाति है 43, अनुसूचित जाति 48, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 42, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2 38, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 36। अनारक्षित आप देख रहे हैं, दूसरी पोस्ट है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी कुल पद 223, इसके अंदर भी आरक्षण दिया गया है। दोस्तों प्रखंड कल्याण पदाधिकारी कुल पद 139, उसके बाद सह कानूनगो कुल पद 170, काफ़ी पोस्ट आई हैं दोस्तों। उसके बाद है सहकारिता प्रसार पदाधिकारी कुल पद 241, इसके अंदर भी आरक्षण दिया गया है। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, प्लानिंग असिस्टेंट कुल पद कम पोस्ट है, 5 है, लेकिन पोस्ट ही अच्छी मानी जाती है। उसके बाद देखिए आप, इसको अन्य पद भी हैं, वेतनमान है, वेतनमान दे सकते हैं, आपके सामने है। विस्तृत जानकारी हम आपको PDF में दे देंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे इसका अधिकतम उम्र सीमा 21 वर्ष और अनारक्षित के लिए है 35 अधिकतम, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है 37 वर्ष, महिला 38 वर्ष, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष। आवेदन की प्रतिक्रिया पूर्ण तिथियों के बारे में आपके सामने है, आप देख सकते हैं। पदों का विकल्प हमने बता दिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों परीक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम। परीक्षा 2 चरणों मिली जाएगी, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं, 15,000 से कम अगर आवेदन आएंगे तो मुख्य परीक्षा नहीं ली जाएगी। लेकिन जैसे दोस्तों आप जब भी जानते हैं कि कंपटीशन का ज़माना है, किसी भी एक पोस्ट के लिए हज़ारों लोग भरते हैं, तो आपको लगता है कि 15,000 से कम आएगा। मान के चलिए इसमें कम से कम 4,00,000 से ऊपर लोग बैठेंगे, यानी कि मुख्य परीक्षा ली जाएगी। आपने मुख्य परीक्षा की तैयारी आप करिए। अब आगे हम बात करते हैं, ये वस्तुनिष्ठ आधार पर परीक्षा होगी, बहुल वैकल्पिक उत्तर होंगे, एक प्रश्न के पूर्ण अंक 3 होगा और नेगेटिव मार्किंग है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। प्राइमरी परीक्षा दोस्तों, प्राइमरी परीक्षा के अंदर काम सिलेबस अब डिस्कस करेंगे, 120 प्रश्न होंगे। पहले है सामान्य अध्ययन, 30 प्रश्न सामान्य विज्ञान, 20 प्रश्न सामान्य गणित, 30 प्रश्न सामान्य मानसिक क्षमता जांच, 20 प्रश्न झारखंड राज्य संबंधी ज्ञान, 30 प्रश्न। दोस्तों झारखंड समाधि संबंधित ज्ञान के लिए प्रभात प्रकाशन की राजस्थान झारखंड सामान्य ज्ञान मनीष रंजन, उस किताब का अध्ययन करके आपको बहुत लाभ मिल सकता है। प्राइमरी परीक्षा का पाठ्यक्रम की हम बात करेंगे। पहले है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में जैसे आप देख रहे हैं, सामान्य अध्ययन के अंदर वर्तमान घटनाओं और प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उसके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी, जिसे किसी भी शिक्षक व्यक्ति की अपेक्षा की जा सकती है। मतलब आप जैसे करंट इवेंट है ये, आपका समसमय की भी आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ आपका राजधानी लिपि पुस्तक खिलाड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं भारत का इतिहास संस्कृति भूगोल, ये सब की फिर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और प्रभात प्रकाशन ने इसके ऊपर बहुत अच्छी किताबें प्रकाशित की हैं। सामान्य विज्ञान भी आप दोस्तों जैसे देख रहे हैं, सामान्य विज्ञान के अंदर आपका भौतिकी के बारे में पूछा जाएगा, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान,
जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आप एनसीईआरटी के अध्ययन से भी आपको फायदा हो सकता है। शास्त्र प्रभात प्रकाशन की किताबें हमने प्रकाशित की हैं। सामान्य गणित भी है दोस्तों, सामान्य गणित में 10वीं कक्षा का स्तर का प्रश्न आएंगे, यानी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10वीं स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों सामान्य मासिक जांच में भी ऐसे ही है, आप देखिए, आप देख रहे हैं समानता, भिन्नता, स्थान, कल्पना, ये सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। सबसे इम्पोर्टेंट है झारखंड राज्य संबंधित ज्ञान, जिसके अंदर झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा आदि प्रश्न पूछे जाएंगे। मनीष रंजन के अलावा कोई भी किताब के अंदर इसमें नहीं दिया गया है। साथ साथ हमने एक झारखंड के ऊपर वस्तुनिष्ठ किताब भी निकाली है, उसको आप पढ़ सकते हैं। मुख्य परीक्षा, दोस्तों मुख्य परीक्षा, जब प्राइमरी परीक्षा जो को पास हो जाएंगे वो मुख्य परीक्षा में जाएंगे। मुख्य परीक्षा के अंदर पहला प्रश्न पत्र है भाषा ज्ञान, जिसके अंदर 120 प्रश्न होंगे, अवधि 2 घंटा। पहला हिंदी भाषा ज्ञान 60 प्रश्न आएंगे, अंग्रेजी भाषा ज्ञान 60 प्रश्न आएंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट वो तीन होने के लिए 30%, यानी कि वो आपके लिए मुश्किल नहीं है, 30% अंक लाने हैं आपको, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। प्रश्न पद 2 जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, प्रश्न 100 आएंगे, अवधि 2 घंटे की होगी, और भाषाएं आप कोई भी ले सकते हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, अन्य भाषाएं आप ले सकते हैं। 100 वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है प्रश्न पद 3 सामान्य ज्ञान, कुल प्रश्न 150 आएंगे, मैं मुख्य परीक्षा की बात कर रहा हूँ, अवधि 2 घंटे है, सामान्य अध्ययन है, सामान्य विज्ञान है, सामान्य गणित है, मानसिक क्षमता जांच है, कंप्यूटर ज्ञान, ने कंप्यूटर ज्ञान प्रीलिम्स में नहीं डाला था, इन्होंने मेंस में डाल दिया है, और सबसे इम्पोर्टेंट झारखंड राज्य संबंधित ज्ञान, झारखंड संबंधित ज्ञान, जिसके अंदर 40% पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं, उसके बाद आ गया आपका मुख्य परीक्षा का विस्तृत हम बात करेंगे मुख्य परीक्षा के ऊपर। पहले है हिंदी भाषा, मैंने आपको जैसे बताया हिंदी भाषा अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 30 होंगे, व्याकरण 30 होंगे, अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित भी 30 प्रश्न होंगे, अंग्रेजी व्याकरण संबंधी भी 30 प्रश्न होंगे। उस प्रश्न पर 2 क्षेत्रीय भाषा, जिसके अंदर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला हो, कुछ भी भाषाओं को आप ले सकते हैं, 100 प्रश्न होंगे, एक को चुननी है आपको। दोस्तों हिंदी भाषा, हिंदी की उत्पत्ति, पुरानी हिंदी भाषा के स्वरूप, हिंदी का शब्द भंडार, भाषा विज्ञान, साहित्य सिद्धांत, साहित्य काव्य पुस्तक, काव्य कुंज, उपन्यास के अंदर प्रेमचंद, इसके ऊपर सब प्रभात प्रकाशन की किताबें हैं जो देख सकते हैं, कहानियाँ, पुस्तक, कथा, केतन, नाटक, हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रभात प्रकाशन ने इसके लिए हिंदी साहित्य का रामचरण शुक्ल की किताब प्रकाशित की है, इसके अध्ययन से आपको बहुत लाभ मिल सकता है। ऐसे ही अंग्रेजी है दोस्तों, बाज़ार में कई किताबें उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं, उर्दू और अन्य भाषाएँ। सामान्य ज्ञान दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया था, इसके अंदर आपको करंट इवेंट का बहुत ध्यान रखना है। साथ साथ प्रभात प्रकाशन ने सामान्य ज्ञान महासागर की किताब प्रकाशित की है, जिसका मूल्य सिर्फ 195 रुपये है। दोस्तों इस किताब से अध्ययन से आप इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों प्राप्त कर सकते हैं। इससे संबंधित वीडियो भी हमने डाला है हमारे यूट्यूब चैनल पर, उस वीडियो को जरूर देखिए, उस बुक का नाम है सामान्य ज्ञान महासागर, दोस्तों 195 की किताब है सामान्य ज्ञान के, जो भी इसमें विषय दिया गया सारा उसमें दिया गया है, आप उसका अध्ययन जरूर कीजिए। फिर सामान्य विज्ञान, सब कुछ सामान्य ज्ञान महासागर में मिलेगा आपको, सब कुछ। मुख्य परीक्षा के चयनधारी एक मेधा सूची तैयार की जाएगी, अनारक्षित पुरुष और महिला के लिए 40%, जनजाति के लिए 32%, अनुसूचित जाति के लिए 32%, पिछड़ा वर्ग के लिए 37%, महिलाओं के लिए 32%। दोस्तों जब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। हाँ दोस्तों, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम सारे नोटिफिकेशन पे अपने
ऐसे वीडियो डालते रहेंगे, और आपको उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।